शाबाश है भाई तेरे ऊपर, बड़ी इज्जत करवाई है तूने दादी की रजिया के सामने। मैंने तुझे कहा था ना, तेरे कान से बात निकाली थी ये कि जरा एहतियात करना, क्योंकि मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। रजिया की नजर तेरी हर हरकत पर होगी और कोई मौका वो नहीं छोड़ेगी मुझे ताने देने का। मगर क्या तूने इसका ख्याल किया? ना। सॉरी दादी। बस रहन दे। सॉरी दादी, बढ़िया ही सॉरी कहने वाली, और अब बड़ी मासूम शक्ल बना के बैठी हुई। माँ की बातों में आके ना तूने मुझे जलील करवाया है, और ये सब जकिया का सिखाया हुआ है ना, है ना? नहीं दादी। सब पता है मुझे, सब पता है। मेरे बच्चे को तेरी माँ ने मुझसे दूर करके रखा। शौहर को मुट्ठी में कैसे रखना है वो नाता है, और अब वो तुझे भी सिखा रही है। मगर मेरी बात समझ ले माही, उसने मेरे बच्चे को अपनों से दूर रखा है, इसीलिए वो मुरझा गया। वरना उसकी उम्र कहाँ थी जाने की, उसका दिल कमजोर पड़ चुका था। अपनों से दूर रहकर इंसान वैसे ही आधा रह जाता है। देख माही, मैं के जाने पर तुझे कोई नहीं रोकता, शौहर के साथ बाहर घूमने फिरने पर कोई रोक टोक नहीं है। मगर कोई दिन तो ऐसा होता है जो सिर्फ तेरे लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। अब उसकी सालगिरह वाले दिन तो सब साथ होना चाहते थे ना, भाई। ये रजिया जो है ना बहुत बड़ी फसादन है, वो जाके अंदर बिस्तर में पड़ गई और मुझे भर दिया तेरे खिलाफ, और मैं बरस रही हूं तुझ पर। चल जा, जा जाके मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ला। जा शाबाश, जा मेरा बच्चा। नहीं वैसे ये बहुत हल्का लग रहा है मुझे, ये अच्छा लग रहा है। परसों मामू की तरफ डिनर है ना, तुम ये पहन जाना। बड़ी बातें बनाते अगर कोई हल्का सा जोड़ा पहनो। पता है जब मैं शादी के बाद पहन वाला पहन लेती हूँ। ये तुम साड़ी क्यों नहीं पहन लेती? साड़ी मुझे साड़ी नहीं पसंद। उमर को तो पसंद है ना। भाभी घर पे ही तो केक काट रहे हैं, कोई फंक्शन तो हो नहीं रहा, मैं यही पहन लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, यही पहन लो। एक बात बताओ, उमर को गिफ्ट क्या दिया? गिफ्ट? हाँ भाई चलो माना गिफ्ट पे सिर्फ हमारा हक है, लेकिन कभी कभी जैसे बर्थडे या एनिवर्सरी पे अगर शौहर को गिफ्ट दे दो ना तो उसे अच्छा लगता है। खुश हुए थे वो। हे क्या दिया था? वही जो उन्हें चाहिए था। क्या? वही जिसे उन्हें खुशी मिली। सही समझ गई, बताना नहीं चाह रही हो ना। चलो ठीक है, हमारी दोस्ती हो ही जाएगी फिर तो बताया करोगी। अच्छा एक बात पूछो, अम्मी की बात का बुरा तो नहीं मनाया तुम? काफी बातें सुनाई होंगी ना उन्होंने। नहीं नहीं वो दिल की बहुत अच्छी है, कभी भी अगर कुछ कह देना तो दिल पे मत लेना, एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। पता है ये जो अभी नई नई शादी के दिन होते ना, ये बड़े अच्छे होते, इस टाइम को अच्छी तरह एंजॉय करें एक दूसरे के साथ। हाँ चल ये मैं रख दूँ या तुम रख लो? मैं रख देती हूँ। थैंक यू भाभी। तुम पे वो रंग बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि जैसे हर रंग तुम्हारे लिए बना हो। काश तुम भी मेरे लिए बने होते। रोशनी मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, रात तुम्हारे कहने पे छत पे मिलने आया तो था, बल्कि सब घर वाले इस कदर नाराज हो रहे थे। सब नाराज हो रहे हैं, माहीन नाराज हो रही थी। अरे माहीन क्यों नाराज होगी, बल्कि वो तो सब जानती है उसकी मदद के बगैर तो हम मिल ही नहीं सकते यार। वो
उसको हमारे मिलने पर एतराज नहीं है, हमारे मिल जाने पर भी एतराज नहीं होगा। क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। भोले नहीं बनो उमर, साफ बात की है मैंने। ऐसा सब कुछ कब तक चलता रहेगा? क्या वो हमेशा हमारी मदद करती रहेगी इस तरह हमें छत पर मिलने के लिए, और तुम पे एहसान जताती रहेगी, या वाकई कुछ करेगी हमें मिलवाने के लिए भी?